वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी ने नारोवाल में तशद्दुद से नून लीगी कारकुन की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। एक बयान में उन्होंने कहा कि पोलिंग शुरू हुए चंद घंटे हुए हैं, फितना पार्टी ने पहले ही रोना शुरू कर दिया। उन्हें धांधली के लिए सहूलतकारी मयसर नहीं, इसलिए कत्लो गारत गिरी पर उतर आए हैं। नारोवाल में जिन इंतखाबात के दौरान झगड़े में मुस्लिम लीग नून का कारकुन जाबाहक हो गया है, जिसकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने तस्दीक की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मुतवफी मोहम्मद यूसुफ मुस्लिम लीग नून का कारकुन था। उन्होंने कहा कि पीटीआई गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती, मोहम्मद यूसुफ का खून रायगा नहीं जाएगा, कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पीटीआई के लोगों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कत्ल किया है। मुखालिफिन अपनी गुंडागर्दी के उचित कंडों पर उतर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है जो खुश आइंद है। चंद दिनों में पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में जल्द लैपटॉप और आईपैड स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। मेरा मिशन नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ की कयादत में मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली के जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। सूबाई असम्बलियों की जिन नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इनमें पंजाब असम्बली की 12, बलोचिस्तान और सिंध की 2-2 नशस्तें शामिल हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान को अशिया सप्लायर 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी की मजम्मत करते हैं। एक बयान में रजा रब्बानी ने कहा कि अमरीका का पाबंदी का इकदाम सियासी मकासद के लिए है, मुस्तरद करते हैं। अमरीका का इकदाम इम्तियाजी है और दोहरा मयार जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि एटमी अदम फैलाव पर सख्ती से कंट्रोल का दावा मजाक है। बास ममालिक के लिए 4G टेक्नोलॉजीज के लाइसेंस की शरारत खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान के मामले के कोई सबूत शेयर नहीं किए गए। ऐसे इकदाम एटमी अदम फैलाव और इलाकाई अमन और सलामती को कमजोर करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी बराए दिफा को इस पर एतमाद में लिया जाए कि पाबंदियों के क्या नतज और उन्हें कम करने के लिए क्या इकदाम किए जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हम रैली निकालने आए हैं, आवाम को आने से कोई नहीं रोक सकता। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम भागने वाले नहीं, कराची के आवाम के पास आए हैं। कोशिश होगी कि कराची की तमाम कयादत आवाम को नजर आए। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आज कराची डिवीजन की दावत पर कराची पहुंचा हूं। कराची पुलिस ने हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। हमें पीपल्स पार्टी से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि सिंध में बेअमनी के खिलाफ काम करें। हमें सिंध में 2 साल से जलसों की इजाज़त नहीं है। ANP से हमारी बातचीत का आगाज नहीं हुआ। कसूर में सारे रास्ते बंद थे, फिर भी रैली निकाली। शेर अफजल मरवत का ये भी कहना था कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब से हमारी कई मुलाकातें हुई हैं।